ना मैं शायर था ना किसी शायर का भतीजा, ना मैं शायर था ना किसी शायर का भतीजा, और मैं आज जो कुछ भी हूँ ना फटेले क्वांटम का नतीजा। कैसा लगा मेरा मजाक? हेलो दोस्तों, तो इस निप्पे की शायरी का नतीजा तो निकल ही चुका है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ आधे अधूरे चमन चुतिए पौने 8 साल के निब्बे और निब्बियों के बारे में। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तुम्हारे होंठ आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहे हैं, क्या मैं उन्हें और करीब आकर देख सकता हूँ? हाँ हाँ भोसड़ी है, घुस जा उसके अंदर ही घुस जा। क्या मैं उन्हें अपने होंठों से छू सकता? यहाँ साला इस उम्र में लड़कियों से बात करने में गांड फट जाती थी और इन बहनचोदों को होठ चूमने। ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं, मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये वीडियो देखकर तो इसका बाप भी यही कहेगा, गांड में गोली मार दूंगा। और यार इनकी ऐसी हरकतें देखने के बाद ना बहुत सोचना पड़ता है, डायरेक्ट कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। कितनी आसानी से कह दी ना तूने मुझे कि मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। अरे हमारी शादी तो तब हो चुकी थी जब मैंने तुझे आई लव यू बोला था और तूने मुझे लव यू टू। वाह बहनचोद वाह, क्या अलग ही रंडा मचा रखा है। अरे दीदी अगर ऐसे लव यू बोलने से शादियां होती तो और इंसान के 10-20 पति पत्नियां होते, और पंडित और मौलवी लोग तो चूतिया है ना जो 4-4 घंटे शादी के मंडप में बिठाते हैं, आग के आगे खुद की भी गांड जलाते हैं और हमारे भी जलाते हैं। के लिए तो तालियां बजनी चाहिए। देखो बहनचोद उच्च लेवल की बवासीर। अरे दीदी किसकी सांसें चुराने की बात कर रही हो आप, सांसें हैं भी उसमें। और आपको देख के तो मैं एक ही बात कहूंगा, कहना सीना कहे के सीना। बाबू हाँ जी, एक बात पूछूं? पूछो। लाओ हाथ दो मेरे। कभी ना छोड़ने वाला वादा करोगे? मेरे होने वाले बच्चों के पापा बनोगे? और भाई इस बकलंड सुअर को देखो, जीप तो ऐसे निकाल रहा है जैसे कोई कुत्ता किसी कुत्ते का पिछवाड़ा देख के निकालता है। और यही चूतिया लड़की इसको बच्चे का पापा बनाने का सपना दिखाकर एक दिन इस गांडू का काट के चली जाएगी, और फिर यही बकलंड सुअर गले में कुछ ऐसे घूमता नजर आएगा। व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। और बहनचोद इसकी शक्ल देख के तो बच्चा जहां से निकला वहीं वापस घुस जाएगा और कहेगा मैं माता क्यों लूं जो इसमें आया। और इसके और बच्चे नहीं देख सकता मैं, चलो चलते हैं अगले वीडियो पे। किसका बच्चा? क्या तू किसका बच्चा? मेरे मम्मी पापा का बच्चा है। मम्मी पापा का बच्चा? हां मेरा बच्चा, मेरा बच्चे तेरी गाड़ मार दूंगा। ये देखो बहनचोद ये तो पिछली वाली से भी ज्यादा ऊपर है, अलग ही उच्च कोटि का तरंगी चुतियापों का चुतियापा मचा रखा है इन्होंने। तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्चा, तू मेरा बच्चा, बहनचोद पूरे खानदान का बच्चा है वो। हाँ भोसड़ी का आपका चुतिया था ना जो इस चिरांत को पैदा किया ये देखने के लिए एक दिन ये ढोलक जैसी शक्ल वाले लड़की का बच्चा बनेगा और मेरा चुतिया काटेगा। तो बस दोस्तों अभी निब्बे और निब्बियों का चुतियापा भाई बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, इससे ज्यादा और मैं नहीं सुन सकता गाइस। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। जो लाल वाला बटन है यार उस पर कुछ भी फेंक के मार देना, बट प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। और अगर आपको निब्बा और निब्बी वीडियो पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज सभी भाई लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर करना। तो चलो करते हैं इस वीडियो का दी एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।